माई यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मुजफ्फर और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट टर्की में आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अकोमोडेशन का क्या सीन है और ट्रांसपोर्टेशन का। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकोमोडेशन का। अच्छा जी, अकोमोडेशन की बात करें तो दो टाइप की अकोमोडेशन होती हैं, एक होती है पब्लिक सेक्टर में और एक होती है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें तो डॉम्स या हॉस्टल्स, और प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई अपार्टमेंट वगैरह या इस तरह सीन। तो पहले हम डॉम्स की बात कर लेते हैं। तो डॉम्स में भी अब दो टाइप का सीन हो जाएगा, क्योंकि दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे आपको डॉम्स चीप मिल जाएंगे, इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे। मतलब कि अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 300 टर्किश लीरा से 1000 टर्किश लीरा में आपको डॉम्स मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप अगर 1000 लीरा अफोर्ड कर सकते हो तो 1000 लीरा वाला डॉम्स में आपको जगह मिल जाएगी, और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इवन 300-400 टर्किश लीरा में जो मिल रहा है इसके दरमियान में जो भी मतलब आपको सही लग रहा है वो ले सकते हो। तो ये तो हमने बात की कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो डॉम्स होते हैं वहाँ पे आपको ये एक होता है कि एक रूम में तीन तीन बच्चे या चार चार बच्चे, इस तरह वाला सीन होता है। अब दूसरा ये सीन होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपको पता है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी फ़ीस भी वैसे हाई होती है, तो उस हिसाब से इनके जो होते हैं डॉम्स वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक रूम में चार बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक रूम में दो बच्चे होंगे या इवन एक रूम में एक बच्चा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस तो नहीं, ईयरली एक्सपेंस बता देता हूँ कि वो आपसे ईयरली बेसिस पे आपसे लेते हैं। तो 1000 से $1500 आपसे लेते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट डॉम्स, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, या जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि यार मैं प्राइवेट अपना अपार्टमेंट वगैरह वाले सीन हो, तो अपार्टमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अपार्टमेंट का क्या सीन होता है, अगर मैं इस्तंबुल की बात करूँ यहाँ पे, मतलब अगर 1+1 का अपार्टमेंट हो गया, 2+1 का अपार्टमेंट हो गया, तो आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट 1500 से 2000 टर्किश लीरा तक मिलेगा। और एक जो अपार्टमेंट में लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होता है सबसे पहले आपका रेजिडेंस परमिट। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो फिर उस बेसिस पे आप अपार्टमेंट ले सकते हो, ठीक है। और क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो अभी तो उनका रेजिडेंस परमिट बना नहीं होता, ठीक है, तो रेजिडेंस परमिट के बगैर आप कैसे अपार्टमेंट ले सकते हैं। एक और तरीका है कि आप किसी टर्किश की गारंटी ले लें, आपकी गारंटी दे दें और आप अपार्टमेंट ले सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो एक और ये है कि एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हो यहाँ पे, तो आप एजेंट को बोलो तो वो आपको अपार्टमेंट वाला सीन सारा डन कर देता है, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब अपार्टमेंट, एक अलग अपार्टमेंट का मैंने बताया कि 1500 से 2000 टर्किश लीरा अगर आपको प्राइवेसी चाहिए। और इवन अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट लेना चाहते हो, कि मोस्टली बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जिनका आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है, वो इसी तरह आपके दो तीन फ्रेंड्स बने और आपने कहा कि हम अपार्टमेंट लेते हैं, तो शेयरिंग अपार्टमेंट में ये होगा कि आपको एक रूम मिल जाएगा, तो उस रूम का ये होगा कि आपके मैक्सिमम 600 लीरा 600 टू 700 इन इस्तंबुल आपका। ये इस्तंबुल क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दो सिटीज़ अंकरा और अंतालिया से, तो यहाँ पे 600, इवन अंतालिया में आपका 400-500। तो लास्ट में मैं कंपेयर करूँगा, तो इस्तंबुल में ये है कि अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो, मतलब एक अपार्टमेंट में अपना कोई शेयर्ड रूम रखना चाहते हो, तो फिर ये है कि आपका 600 टर्किश लीरा लगेगा। अच्छा जी, अब सेकंड आ गया फूड एक्सपेंसेस। फूड एक्सपेंसेस में क्या सीन है कि कैफेटेरियाज होते हैं जहाँ पे मतलब आप जाके खा सकते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के कैफेटेरियाज आपको चीप मिल जाता है फूड, इवन 4-5 लीरा में आप खा लेते हो, लेकिन प्राइवेट का वही सीन है कि प्राइवेट थोड़ा कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो अगर आप बाहर से इस तरह खाना खाते हो एक टाइम का, तो वो आपका 15 टर्किश लीरा से 30 टर्किश लीरा बन जाएगा। और अगर इसको मंथ के साथ कंपेयर करें तो 1500 टर्किश लीरा अगर आप बाहर से खाते हो खाना, और बाहर का खाना इतना अच्छा भी नहीं होता, टर्किश फीका फीका खाना खाते हैं, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम घर में खुद ही बना लें। तो अगर आप घर में कुकिंग करते हो तो वो आपका 300 लीरा से 400 लीरा, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ खाते हो, लेकिन 300 से 500 लीरा तक रफली आपका अगर घर में खाना खाते हो मंथ के हिसाब से बनता है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये सीन है कि यहाँ पे होता है इस्तंबुल कार्ड। ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कार्ड कैसे बनाता हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जाके पहले देख लें कि ट्रांसपोर्टेशन का ये जो कार्ड होता है इस्तंबुल का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए बनता है, स्टूडेंट के लिए एक इन्हें पैकेज दिया होता है 57 लीरा में एक पैकेज आता है, जो कि पर मंथ के हिसाब से होता है, 200 राइड्स होती हैं उसमें, और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और क्योंकि ये इस्तंबुल, ये पूरे इस्तंबुल में आप ट्रैवल कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। अब अगर अंतालिया में रहते हो, क्योंकि मैं इस्तंबुल में रहता हूँ तो मैं ये कार्ड यूज़ करता हूँ, अंतालिया में रहते हो अंतालिया कार्ड, अंकरा कार्ड, तो ये इस्तंबुल में मैंने कोई भी मेट्रो यूज़ करनी है, मेट्रो बस यूज़ करनी है, मेट्रो ट्रेन यूज़ करनी है, मेट्रो ट्रैम यूज़ करनी है,
हर चीज़ में ये यूज़ हो सकता है, इवन कि आप शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये सीन है कि 57-60 लीरा आप कर लो, 60 लीरा आपके ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होता है पर मंथ। लास्ट में अगर हम कंक्लूजन निकालें प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट और उसके बाद आपका अपार्टमेंट वाला सीन, तो अगर आपने डॉम्स में रहना है, गवर्नमेंट डॉम्स में, तो फिर आपका रफ एक्सपेंस 600 से 800 टर्किश लीरा विदाउट योर फूड एक्सपेंसेस। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में अपना क्या बोलते हैं डॉम्स में रहना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डॉम्स में, तो फिर आपका ईएलटी एक्सपेंस होगा, उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 1000 से 1500 डॉलर। और अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट का ये सीन है कि अगर आपने सेपरेट अपार्टमेंट लेना है तो 2000 टर्किश लीरा विदाउट यूटिलिटी बिल्स, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स आपको अलग से देने पड़ते हैं। यूटिलिटी बिल्स में आपके वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये तीन बिल्स आ जाते हैं जो कि रफली 150 तक 200 तक आपके जा सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग में अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आप पे में भी 40-50 लीरा है, क्योंकि आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे होगे तो आपके और दोस्त भी होंगे। तो अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट का एस्टिमेटेड कितना हो सकता है, तो इस्तांबुल में रहते हुए आपका 1000 से 1200 टर्किश लीरा आपका मंथली एक्सपेंस बनता है, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ अपने घर में खाना खाते हैं और इस तरह सारी चीज़ें। तो अब अनकरान तालिया का ये सीन है कि वहाँ पे मतलब इस्तांबुल ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे चीज़ें भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। अनकरान तालिया में ये सीन होगा कि अगर यहाँ पे 1000 से 1200 टर्किश लीरा में एक स्टूडेंट मंथली एक्सपेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे 800 से 1000 लीरा। तो ये एक रफली मैंने आपको एक्सपेंस बता दिए हैं जो कि आपके यहाँ पे आएंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्राइवेट डॉम्स मिल जाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको गवर्नमेंट डॉम्स मिल जाएंगे, सॉरी। तो उस डॉम्स में आपको आपका खर्चा भी कम होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें डॉम्स महंगे होंगे, और एक प्राइवेट रूम है या प्राइवेट अपार्टमेंट। तो आई गेस कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो बिग बिग थम्स अप। एंड द सेकेंड थिंग के बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर चल जाते हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। और डू सजेस्ट के नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। तो अभी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और मैंने आगे बनानी भी है वीडियोस, तो अगर आपको और भी कुछ टर्की से रिलेटेड देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।